मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ हो चुका है और अब घरों में भी गंगा जल पहुंचने लगा है। आप देखिए, ये राजगीर का बंगाली टोला मोहल्ला है, वार्ड 19 का मोहल्ला है, और आप देखिए किस तरह जो सपना है, जो एक सोचा हुआ सपना है, वो साकार होते दिख रहा है और घरों में गंगा जल जो है सभी के घरों में पहुंचने लगा है। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शुभारंभ कर दिया है। हमारे साथ वो घर वाले हैं जिनके ही घर से सबसे पहले मुख्यमंत्री ने नल चालू करके इस योजना का उद्घाटन किया था। क्या नाम है? विनोद प्रसाद। किस तरह देखते हैं इस योजना को, कितनी खुशी मिल रही है? आपने सोचा था? कभी भविष्य में भी नहीं सोचा था कि गंगा जल आपके घर में गंगा जल आएगा। अच्छा, पहले कभी गंगा जल लाना होता था तो कहाँ से लाते थे आप? तो पहले हम लोग तो बाहर से लाते थे, बाढ़ बख्तियारपुर, पूजा के लिए सिर्फ। हाँ, पूजा के लिए जहाँ गए तो वहाँ से ले आते थे। अब इस गंगा जल से पूरा घर का काम होगा, जितने भी साफ सफाई सब काम गंगा जल से होगा। हाँ, साफ सफाई होगा। तो भारत के आप लोग सबसे लकी इंसानों में से हैं, भाग्यशाली इंसानों में से। नालंदा जिला तो भाग्यशाली तो है, यहाँ का सीएम खुद अपने नालंदा जिला। पीने के पानी का दिक्कत था पहले? हम लोग के यहाँ दिक्कत नहीं था। हाँ। अब बाकी लोग के दिक्कत था। अच्छा, इस इलाके में दिक्कत था? नहीं, हम बंगाली पाड़े में दिक्कत नहीं था, इसलिए सब अपना अपना व्यवस्था कर लेता। अच्छा, जो पहले नल कुआं जो था ना, तो फिर सप्लाई ले लिया, सप्लाई के बाद फिर सब बोरिंग करवा लिया, तो यहाँ दिक्कत। अब बाकी मोहल्ला में दिक्कत था। इस मोहल्ला में कितने घरों में सप्लाई पहुँच गई है? करीब करीब 100% के यहाँ पहुँच गया है। करते क्या हैं? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस है तो कितने घर होंगे इस मोहल्ला में? तो भाई घर का तो हमको उतना जानकारी नहीं। अच्छा, मुख्यमंत्री के काम से खुश हैं? हाँ, खुश है, एकदम खुशी है, बहुत खुशी की बात है। यहाँ नेचुरल सफारी बना, यूनिवर्सिटी बना, पुलिस एकेडमी बना, ये सब चीज तो बना उन्हीं का देन से। आपका नाम क्या हुआ सर? नरेश प्रसाद। मुख्यमंत्री के इस योजना को कैसे देख रहे हैं? बढ़िया, घर गंगा जल पहुंच रहा है? जी हाँ, पूरा घर पहुंच रहा है। कभी सोचे थे कि घर में पहुंचे? भविष्य में तो नहीं सोचे सर, भविष्य में कभी नहीं सोचे थे कि गंगा जल यहाँ पहुँचेगा, कभी नहीं सोचे थे। नहीं, तो जो नहीं सोचे थे वो काम पूरा हो गया। हाँ, नीतीश कुमार पूरा हो गया। योजना को कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री की योजना बहुत परफेक्ट है, समझिए कहा जाए तो कलयुग के वो राम है। हाँ। राम भगवान जो काम किए वही समझिए कलयुग के भागीरथ। हाँ, भागीरथ है। हाँ। बहुत परफेक्ट काम किए हैं। अच्छा, कभी आप लोगों ने सोचा था कि गंगा जल यहाँ पे पहुँच पाएगा? नहीं, कभी नहीं सोचे नहीं सोचे थे। आप लोग को पूजा के लिए गंगा जल लाना होता होगा तो कहाँ से लाते थे आप लोग? बाढ़ बख्तियारपुर। तो पहले एक बोतल लाते होंगे, उसी से पूजा होता होगा? जी सर। हाँ, अब घर के हर एक काम में गंगा जल का इस्तेमाल होता है? जी सर। बबीता देवी। अच्छा, इस योजना से कितनी खुशी मिल रही है? कभी सोची थी कि गंगा जल घर में आएगा? नहीं, कभी नहीं सोचे थे। बहुत अच्छा काम हुआ है। गंगा जल हम लोग तो कहीं से लाते थे, कभी ख़त्म हो जाता था, अब तो नीतीश सरकार इतना बढ़िया काम किए हैं कि घर घर गंगा जल दे दिए हैं। बहुत खुशी का बात है, हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि मैंने ऐसा होगा, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। पहले कितना, मतलब एक बार में आप कितना गंगा जल देखी होंगी घर में? एक डिब्बा 5 लीटर से ज़्यादा हम लोग कभी नहीं देखे थे, अब तो है कि टंकी भरा रहे। हाँ, भर रहे, सब काम कर सकते हैं। हाँ, जल से ही ना। हाँ, बहुत अच्छा काम हुआ। पहले नहाने जाना होता होगा तो पटना जाते होंगे? हाँ, कोई भी काम रहता था तो पटना जाइए, ट्रेन से जाइए, नहाइए, अब तो घर घर है तो बहुत अच्छी। तो गंगा जल से नहाइए? हाँ, पहले पूजा पाठ में नहाना पड़ता। हाँ हाँ, अब आप रोज शुद्ध हो जाइए। रोज शुद्ध हो जाइए। अच्छा, मुख्यमंत्री के लिए एक लाइन बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे उनके काम को देखते हुए? बहुत अच्छा काम किए राजगीर को वास्ते, बहुत अच्छा काम किए, ऐसा तो काम कभी हुआ नहीं था जैसा वो काम किए, बहुत अच्छा काम किए हैं। मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री? हाँ हाँ, आमने सामने देख लेंगे, उससे और बड़ा क्या है। अच्छा, इधर मैडम, आपका नाम क्या हुआ? हर्षा। करती क्या आप? मैं कोलकाता रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री का जो ये योजना है उसको कैसे आप देख रही हैं, कितना लाभदायक योजना है? कहीं ना कहीं अच्छा है, सप्लाई वाला पानी आता है, थोड़ा खारा पे लगता है, ये बिल्कुल मीठा लगेगा। और गंगा जल हम लोग तो खरीद के लाते हैं, एक्चुअली मैं दिल्ली में रहती थी
तो वहाँ तो हर चीज़ खरीद के लाना पड़ता है, इवन गंगा जल भी खरीद के यूज़ करते थे। यहाँ पे है कि ससुराल में मेरे घर में ही गंगा जल आ गया है, तो पूजा नहाना हर चीज़ गंगा जल से ही होगा। पहले जब पूजा होता होगा तो नहाने के लिए आप लोग को गंगा नदी के पास जाना होता होगा, पटना पटना से जहाँ जहाँ गंगा निकलती है। अब घर में ही गंगा जल आ रहा है, खुश है ना? हाँ जी, हाँ जी, खुश। अच्छा, मुख्यमंत्री के काम से कितना खुश है? अच्छा लग रहा है, राजगीर को काफी तरक्की किए हैं, मेरे घर आ रहे हैं, और क्या चाहिए, खुशी की बात है कि उन्होंने हमारे घर को सिलेक्ट किया है। तो काम काफी अच्छा है मुख्यमंत्री? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पहले जो गंगा जल होता है एक बार में 2 लीटर 3 लीटर छोटा बोतल, हम लोग तो दिल्ली रहती थी तो वहाँ तो खरीद के लाना पड़ता था। अब पूरे घर में आपका गंगा जल पड़ा रहेगा। अब है कि कोलकाता जाना होगा तो यहीं से लेके जा सकते हैं। नहीं नहीं होगा, पूरा साफ सफाई से लेके सब, कपड़ा धोना सब गंगा जल से। बस पानी आते रहे तो, पानी आते रहे तो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।